दोस्तों आज हम स्टफ शिमला मिर्ची बनाने जा रहे हैं। इसके लिए लिया है मैंने ये दो बड़े शिमला मिर्च, आप छोटे साइज के भी ले सकते हैं। और ये मैंने कुछ मसाले ले लिए हैं। एक कांदे को मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया है। ये बॉयल्ड आलू है, इसे मैंने बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। थोड़ी सी मैंने कसूरी मेथी ली है। 1/4 चम्मच मैंने भुने हुए जीरे का पाउडर लिया है। आधा चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है। 1/4 चम्मच मैंने अमचूर पाउडर लिया है। 1/4 चम्मच मैंने हल्दी ली है। आधा चम्मच मैंने सूखा धनिया ले लिया है। थोड़ी सी मैंने अदरक और लहसुन की पेस्ट ले ली है। अगर आपके पास अदरक और लहसुन की पेस्ट नहीं है तो आप सीधे अदरक और थोड़ी सी लहसुन डाल सकते हैं। दो हरी मिर्च को मैंने बारीक काट लिया है और एक टमाटर है, इसके मैंने बीज निकाल दिए थे और इसको बारीक बारीक काट लिया। ये थोड़ा सा मैंने नारियल का बुरादा लिया है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालिए या तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। दोस्तों इस तरह से आप शिमला मिर्च को ऊपर से काट लीजिए। देखिए दोस्तों, आप चाहें तो इसके सारे बीज निकाल दीजिए। देखिए दोस्तों, मैंने बीज को निकाल दिया है। दूसरे शिमला मिर्च को भी हम इसी तरह से काट लेंगे। ये देखिए दोस्तों, सभी हमारे बीज निकल चुके हैं। इस तरह से इसमें मैंने कैविटी बना दी है। दोस्तों इन सभी मसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों इसमें हम 1 टेबल स्पून जितना तेल डाल देंगे और ये नमक है, आधा चम्मच इसमें हम नमक डाल देंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। दोस्तों अगर आप मसाला पहले बना के रखते हैं तो नमक आखिर में डालिए, क्योंकि नमक पानी छोड़ता है। मैंने टमाटर में से बीज इसलिए निकाल दिए थे क्योंकि टमाटर के बीज भी पानी छोड़ते हैं। तो इस तरह से हम शिमला मिर्च ले लेंगे और इसमें जैसे कि मैंने दो लिए हैं तो मैं इसके आधा आधा पार्ट कर लेती हूँ और इसमें अच्छी तरह से हम भर देंगे। देखिए दोस्तों इस तरह से भर देना है। दोस्तों ये जो हमने इसका ऊपर का निकाल दिया था, इस तरह से आप इसको यहाँ पे लगा दीजिए, इससे ये मसाला बाहर नहीं निकलेगा। अगर आपका मसाला बाहर निकलता है तो आप ये थोड़ा सा मैदा ले लीजिए, इसके ऊपर अच्छी तरह से डस्ट कर लीजिए। ये देखिए दोस्तों, अब आप इस पे इस तरह से लगा दीजिए। इस तरह से हमारे शिमला मिर्ची पैक हो जाएंगे। दोस्तों मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया है, मैंने इसमें 1 चम्मच तेल डाला है। इसमें मैं ये शिमला मिर्च रख दूंगी और गैस का फ्लेम कम कर दूंगी। अब 5 से 7 मिनट तक हमें इस तरह से कोई स्टील का बर्तन इस तरह से ढक के रख देना है, ये अपनी स्टीम में पकेगा। गैस का फ्लेम बिल्कुल कम कर दीजिए और इसे 5-10 मिनट के लिए बिल्कुल ऐसे ही छोड़ दीजिए। दोस्तों अब हम इसे थोड़ा सा पलट लेते हैं। दोस्तों ऐसे पलटने के बाद इसे हम फिर से ढक के 5 मिनट तक कम आंच पे पकाएंगे। दोस्तों दूसरी तरफ से भी हम मिर्ची को पलट लेंगे और जिस तरह से कच्चा है उस तरह से हम इसे पका देंगे। दोस्तों हमारे शिमला मिर्च हर जगह से अच्छी तरह से पक चुके हैं। तो दोस्तों ये देखिए, जितना मैंने तेल डाला था वो वहीं का वहीं है। आप इसे अलग कर दीजिए और गैस को बंद कर दीजिए। देखिए दोस्तों इसमें पूरा तेल बच गया है, इसमें बिल्कुल तेल कंज्यूम नहीं होता और ये बहुत ही आसानी से बन जाता है। दोस्तों मैंने इसे प्लेट में निकाल दिया है। ये देखिए दोस्तों इसमें तेल रह गया है। ये सब्जी बनाने में तेल बिल्कुल कंज्यूम नहीं होता। दोस्तों आप एक टूथपिक ले लीजिए, इसे दबाकर देख सकते हैं, ये बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। हर जगह से ये बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुका है। तो दोस्तों ये बहुत ही जल्दी बन जाता है। आप इसे रोटी के साथ या पराठे के साथ खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी डिश होती है। तो चलिए दोस्तों जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियोस को शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।